एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हमने सुना है। उन्होंने एक बार कहा था, प्राचीन काल में दुनिया मसल पावर से चलती थी, इसके बाद यह मनी पावर से चलती थी, लेकिन अब यह चलती है पावर ऑफ नॉलेज। यानी पहले दुनिया चलती थी शरीर की ताकत, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसके बाद दुनिया कुछ दिन पैसे की दुनिया में चली और अब दुनिया कैसे चलती है, वह है ज्ञान की ताकत से। नॉलेज इज पावर। आज अमेरिका और रूस फ्रांस क्यों हमसे आगे निकल गए हैं? उनकी जनसंख्या भी कम है, शायद वे मेहनती भी हमसे कम है, लेकिन वे क्यों हमसे आगे हैं? क्योंकि उनके यहाँ शिक्षा का जो प्रसार था वो हमसे कहीं ज्यादा हुआ, वे हमसे ज्यादा शिक्षित हैं। प्राचीन काल में हमारे यहाँ बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा, तक्षशिला और अन्य बहुत सारे यूनिवर्सिटीज थे जहाँ पर देश दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन जब मध्यकाल आया, हम ज़्यादा अंधविश्वास पर ध्यान देने लगे और साइंस पर कम ध्यान दिया, विज्ञान पर कम ध्यान दिया, ज्ञान पर कम ध्यान दिया, इसलिए हम विश्व में पिछड़ गए। हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं, एसएसटी के विषय में पढ़ते हैं कि एक समय दुनिया का सबसे धनी देश अमेरिका और रूस जैसे देश नहीं थे, वह था भारत और चीन। लेकिन हम शिक्षा पर ध्यान देना छोड़ा और हम पिछड़ते गए और वे आगे निकल गए। इस संदेश से मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे स्कूल का जो मोटो है, नॉलेज इज पावर, जाते जात आप विद्यार्थियों के लिए यही मेरी एक संदेश होगा कि इस धरोहर को, नॉलेज को हमेशा ग्रहण करने के लिए काम करें, विभिन्न माध्यम से, विभिन्न तरीके से हम नॉलेज को एकत्रित करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए हम काम करें। नॉलेज इज पावर। अगर हम नॉलेजेबल होंगे तो ताकतवर आगे बढ़ेंगे एक साथ, और इसलिए विभिन्न माध्यम से नॉलेज को ग्रहण करने के लिए हम काम करेंगे। यही मेरी आपसे गुजारिश होगी।